हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम लोग करने वाले हैं 11th चैप्टर का एक कंस्ट्रक्शन टाइप 1। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने कितने मटेरियल्स हमको चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि हमको पांच चीज़ों की यूजेस हैं इसमें। एक है शॉर्पनर, इरेजर, राउंडर, पेंसिल्स एंड स्केल्स। सबसे पहले हमको शॉर्पनर को पेंसिल को अपना साफ कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पेंसिल को शार्प कर लिया है। ये देखिए, एकदम शार्प रखना है ताकि कोई भी हम पॉइंट ड्रॉ करें तो यूजेस में आ जाए, अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं ये 9th स्टैंडर्ड का NCERT बोर्ड का NCERT का मैथ्स की टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा हूँ। कि 11.2 स्टार्ट करेंगे, 11.1 दूसरे भाई कर रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं, लिखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों हमको गिवेन है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमको यहाँ पे एक स्केच बनाना होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको फोटो में दे दूंगा। ओके, अभी हम खाली कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो देखो, तो अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। पेंसिल ले लो, हमको जितना गिवेन है वो सब पहले बनाते हैं। तो BC हमको 7 गिवेन है। और सिंपल एक ट्रायंगल अगर ABC है तो इसमें ज़्यादातर B और यहाँ C होता है और यहाँ A होता है, तो बेस हमेशा यही होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग BC पहले 7 बना लेते हैं। तो देख लो, BC 7 हो गया, ये रहा हमारा B, ये रहा C। ओके, तो अब क्या गिवन है? अगला चीज़ गिवन है हमको एंगल B इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो चलो अब इस पे 75 डिग्री बनाते हैं। तो राउंडर निकाल लो। सो आप लोग देख सकते हो कि राउंडर एकदम बराबर ही रखना है, ये एकदम सीधी लाइन पे है, गलती हो गई यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही सीधा रखना है तभी कंस्ट्रक्शन एकदम सही बनेगा आपका, वरना फिर पॉइंट में गलती हो जाएगी। तो 2.5 आना होगा तो 2.6 आ जाएगा ऐसा। ओके, तो राउंडर एकदम सेम ऐसे एकदम इक्वल लाइन में होना चाहिए, पैरेलल, पैरेलल तो नहीं। चलो, तो अब एंगल बी इज इक्वल टू 75 दिया है, तो इसके लिए हम बी को ही 75 बनाएंगे। ओके, तो 75 बनाने के लिए 75 किसके और किसके बीच में आता है? तो सबसे पहले तो अच्छी तरह से बना लेते हैं, मैं आपको 75 बना के बताता हूँ। छोड़ना क्यों है, हम बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो 90 और 60 बनाओ, 90 और 60 के बीच में आते हैं ना 75। ओके, अब एकदम सीधी लाइन लेना है क्या, ताकि करेक्ट 90 आ जाए। ओके, ये रहा हमारा 90। ओके, एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो कि एकदम करेक्ट 90 डिग्री आ रहा है। ओके, बी से लेके वहाँ पे 90 आ रहे हैं कि लाइन भी एकदम इक्वल है। तो अब बनाते हैं 75। तो 75 बनाने के लिए हमको जो है 60 और 90 के बीच में लेना है, यानी कि इसका बाइसेक्टर बनाना है। तो ये पॉइंट को मैं अच्छी जगह से यहाँ पे लेके एक आर्क बनाता हूँ। ओके, इस चीज को यहाँ पे लेके दूसरा आर्क बना देता हूँ। ओके, तो अब इस लाइन को ज्वाइन कर दो, कि ये है हमारा 75। ओके, ये रही हमारी लाइन 75। कि यहाँ पे रे बी एक्स बनाना है कि जितना लंबा हो सके ले जाओ।
हो गया। अब इसका भी एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये वापस से 75 डिग्री आ गया है, अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट बन रहा है हमारा। तो चलो अब अगला काम करते हैं। तो अब अगला हमको बी इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया था। अब इसके बाद अगला है हमारा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। तो अब कुछ रूल्स है कि हमको जो है ना ये जो रे बी एक्स है, सॉरी यहाँ पे बी एक्स लिखने दीजिए। ओके, तो ये जो रे बी एक्स है इसमें हमको 13 डिग्री लेना होता है, मतलब 13 सेंटीमीटर। और वहां पे हमको डी लेना है। ओके, तो देख सकते हो एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे डी ले लिया 13 सेंटीमीटर। ये डी और बी, बी डी इज इक्वल टू 13 है हमारा। ओके, तो अब जो है डी और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ज्वाइन करते हैं। ओके, तो अब हमने सी और डी को ज्वाइन कर लिया। तो अब वापस से अब क्या करना है ना हमको, ये जो है ना सी और डी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कि कुछ ऐसा।
गाइस जो है ना, इसमें कोई भी मेजरमेंट हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही।